दोस्तों पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। दोस्तों अगर आप इंटर और लाइब्रेरी डिप्लोमा पास हैं और आप अपने राज्य में ही रहकर पटना हाईकोर्ट में हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी निकल कर आई हुई है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट वैकेंसी 2022 की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर PHC/03/2022 के तहत पटना कोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट की 26 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें आपको 19,200 से लेकर 63,200 की मासिक वेतन दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 11 जुलाई 2022 से शुरू किया गया, जिसका अंतिम तिथि 24 जुलाई 2022 रखी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और इसी तरह से पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल खबर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको दोस्तों बताते चलें कि पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म डेट एंड एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कौन से तारीख से लेकर कौन से तारीख तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसी तरह से एप्लीकेशन फ़ीस, आवेदन फ़ीस कितना है, तो आपको बताते चलें दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यानी कि फॉर्म फिल करने का जो शुरू की तिथि है, स्टार्टिंग जो डेट है वो 11/7/2022 और एप्लीकेशन फिल करने का, आवेदन करने का जो आखिरी तिथि है वो 24/7/2022 तक है। इसी तरह से एप्लीकेशन फ़ीस जो है दोस्तों जनरल OBC BC EWS, जो लोग जनरल कैटेगरी में और इसी तरह से OBC वाले, BC वाले, EWS वाले हैं, उनको जो है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 1,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो लोग SC ST OH लोग हैं, SC ST कैटेगरी के और इसी तरह से OH कैटेगरी के जो लोग हैं, उन्हें दोस्तों 500 रुपये जो है पे करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन 2022 फॉर्म पोस्ट डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, जो पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो पोस्ट डिटेल्स क्या है, कौन कौन से पद हैं, तो दोस्तों आपको बताते चलें, पोस्ट जो नेम है वो लाइब्रेरी असिस्टेंट का काम मिलेगा आपको। लाइब्रेरी के अंदर असिस्टेंट के तौर पर आपको काम करना है और ये जो है काम है पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, कौन से कितने पढ़ाई जो है ना होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे लोग इस पोस्ट में बहाली के लिए होनी चाहिए, तो दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय या कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट जो है ना एकदम से पास होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा जो रिक्वायरमेंट है, दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, वो है पुस्तकालय विज्ञान या फिर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसी तरह से दोस्तों तीसरी जो चीज़ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीने के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा। जी हाँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीने का जो है ना, 6 महीने का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स का आपके पास जो है ना। जब डिप्लोमा कोर्स का 6 महीने डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होगा तभी जाके आप इसके लिए जो है ना आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल जो है ना पद है 26 पद है, टोटल बहाली 26 है, 26 जो है ना पोस्ट टोटल वैकेंसी 26 है। अभी इसी तरह से आपको बताते चले पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन 2022 फॉर्म कैटेगरी वाइज डिटेल्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, कैटेगरीज वाइज डिटेल्स क्या है तो आपको बताते चले, देखिए सीरियल नंबर एक में जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो लोग आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों के लिए टोटल पद जो है, टोटल बहाली 8 हैं, टोटल वैकेंसी 8 हैं। और इसी तरह से दोस्तों आपको बताते चलें, हॉरिजेंटली रिजर्व्ड पोस्ट फॉर वुमेन। जी हाँ दोस्तों, और इसमें से 8 पोस्ट में से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए है, 5 बहाली 5 वैकेंसी औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट मतलब जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए, उनका जो पद है टोटल पद 3 है और उनमें से दोस्तों एक पद जो है महिला के लिए है, एक पद जो है ना वुमेन के लिए है। इसी तरह से शेड्यूल ट्रिप्स यानी ST से जो लोग आते हैं तो उनका जो पद है एक ही है और इसमें जो है ना महिला के लिए कुछ भी नहीं है। इसी तरह से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी EWC में टोटल पोस्ट, टोटल वैकेंसी 4 है,
हैं, टोटल बहाली 4 हैं और इसमें से एक जो है ना दोस्तों औरतों के लिए, महिला के लिए है। बैकवर्ड क्लासेस BC यानी कि 2 पोस्ट इसमें हैं और एक महिला के लिए है, एक वुमेन के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड है। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS दोस्तों, EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 2 पोस्ट है, 2 बहाली है और इसमें जो है ना कोई भी पद, कोई भी बहाली महिला के लिए नहीं है। तो ये कैटेगरी वाइज जो है ना आपको यहाँ पे डिटेल्स मैंने आपको समझाया दिया, तो आप जो है ना जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपने हिसाब से जो है ना आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है वो सेम है कि आप इंटर पास होनी चाहिए, जो कि आपको मैंने अभी जस्ट बताया। इसी तरह से दोस्तों आपकी जो सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया सैलरी जो है दोस्तों आपकी होगी 19,200 से लेकर 63,200 तक। इसी तरह से एज लिमिट होनी चाहिए, जो लोग भी आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उनका जो एज होना चाहिए दोस्तों 18 से लेकर 37 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए। इसी तरह से आपको बताते चलें पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 कैसे भरें। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का जो तरीका है, यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन है और इसके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप न्यू नए तरह से अगर आप पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, और अगर आप नए सिरे से पढ़ना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन वैकेंसी का जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से, यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, यूज़र आई डी पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों, एक एक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का लिंक दिया हुआ है। ये सारी का सारा लिंक आपको जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जो है ना पटना हाईकोर्ट जो ये थी पटना हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन वैकेंसी के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप जो है ना एलिजिबल हैं, अगर आप योग्य हैं, अगर आप काबिल हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटी है पटना हाईकोर्ट के अंदर, जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकाली गई है, अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं और आप एकदम से फुलफिल हैं क्राइटेरिया, इसमें जो क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी योग्यता रखी गई है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अगर आप इस तरह से फुलफिल हैं, अगर आप योग्य हैं, तो आप एकदम से लेट मत कीजिए, आप फॉर्म फिल के देखिए, पता नहीं क्या हो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।